इससे पहले हमने बात की थी क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम के बारे में। क्रोमोफोर कौन से ग्रुप होते हैं जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिना क्रोमोफोर के कंपाउंड आपको कलर दिखाई नहीं देगा। एंड ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? जो कलर को एनहांस करते हैं। तो नाउ उसके बाद हम बात करेंगे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जो भी वेवलेंथ के अंदर शिफ्ट हो रहा है, रेड शिफ्ट हो रहा है या ब्लू शिफ्ट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक का मतलब होता है वेवलेंथ का इंक्रीज होना, एंड दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। बिकॉज आपको पता है जब आप विज्योर देखते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रा देखते हैं, तो स्पेक्ट्रा में जो ब्लू होता है उसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, एंड जो रेड होता है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो इसलिए हम इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। सो व्हेन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, इट इज नॉन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ये क्यों होता है? दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम और बाई चेंज ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है या फिर सॉल्वेंट हम चेंज कर रहे हैं, उस वजह से भी जो लैम्डा मैक्स उसकी वैल्यू के अंदर एनहांसमेंट होता है। के एग्जाम्पल हो सकता है इसका, द एनपाइस्टर ट्रांजिशंस फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स अंडरगोज बैथोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज डिक्रीज। अगर आप पोलैरिटी को आप कम करेंगे, पोलैरिटी आप कम करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग हो रही है वो कम हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि जो उसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बिजी हो जाते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। इसलिए आप पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट आप डिक्रीज कराएंगे तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ शिफ्ट इज अ हिप्सोक्रोमिक। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। ब्लू का मतलब है वेवलेंथ का कम होना, लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हो रही है इस केस में। सो व्हेन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ अ कंपाउंड शिफ्ट टू अ शॉर्टर वेवलेंथ, इट इज नॉन एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। सो द इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रुप कॉजेज रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन और बाय चेंज ऑफ सॉल्वेंट। अगर एनपाइस्टर ट्रांजिशन के बारे में हम बात करें तो हम जो सॉल्वेंट है उसकी पोलैरिटी बढ़ा देंगे, और अगर हम अदर ग्रुप के बारे में बात करें तो जो कॉन्जुगेशन जिस वजह से हो रहा है, आइदर द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और प्रेजेंस ऑफ हेटरो एटम, तो अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो उस केस में लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। सच टाइप ऑफ शिफ्ट इज कॉल्ड हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट। दिस इज द एग्जाम्पल, आप देखेंगे एनिलीन शोज ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम। एनिलीन NH2 एसिडिक मीडियम के अंदर ब्लू शिफ्ट शो कर रही है, बिकॉज इट लॉस, ये जो कॉन्जुगेशन हो रहा है इसका एसिडिक मीडियम में, जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो किसने ले लिया? H प्रोटॉन, प्रोटॉन ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया। सो नाउ दिस इज कन्वर्टेड इन टू एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ कॉन्जुगेशन। अगर यहाँ आप देखेंगे कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बॉन्ड है, ये यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, एंड दिस अगेन फॉर्म बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, दिस इलेक्ट्रॉन अगेन फॉर्म बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड अगेन फॉर्म इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। सो एनिलीन शोज ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम सिंस इट लूजेस कॉन्जुगेशन। आप ये देख सकते हैं एनिलीन का जो लैम्डा मैक्स है 280 नैनोमीटर पर है, एंड जो एनिलीनियम आयन है इट एब्जॉर्ब एट 203 नैनोमीटर। नेक्स्ट इज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का चेंज होता है। व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज इंक्रीज्ड, इट इज नॉन एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हम पहले बात कर चुके थे कि दो तरह के ट्रांजिशंस होते हैं, इससे पहले जो वीडियो था, एक होता है अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं, दूसरे होते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशंस। अलाउड ट्रांजिशंस कौन से होते हैं? जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू 1000 से ऊपर होती है। सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस कॉल्ड अलाउड, क्योंकि वो इंटेंस होते हैं और आप इजीली मेजर कर सकते हैं। दूसरे जो ट्रांजिशंस होते हैं फॉरबिडन, जिसकी 100 एंड 100 से कम है, 150 के आसपास है, 180, सच टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर नॉट यूजफुल। सो द इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्पेक्ट्रा। तो ग्रुप दैट इंक्रीज द इंटेंसिटी शोज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट।
इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सोक्रोम यूजुअली इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी। आप देख सकते हैं प्रिडीन है, प्रिडीन का लैम्डा मैक्स है 257 नैनोमीटर और एप्सिलॉन की वैल्यू है जो कि इंटेंसिटी शो कर रहा है 2750 2750। व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मिथाइल प्रिडीन, यहां पे कौन सा ग्रुप लगाते हैं, मिथाइल ग्रुप, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस एंड इट इज ऑलमोस्ट 260 नैनोमीटर। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आप देखेंगे लैम्डा मैक्स में तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है बट ई एप्सिलॉन की जो वैल्यू है उसके अंदर चेंज है, इट इज 3560। सो इन प्रीवियस केस इट इज 2750 एंड नाउ इट इज 3560। सो सच टाइप ऑफ इफेक्ट दैट इंक्रीज द इंटेंसिटी इज कॉल्ड हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। हाइपो, हाइपो के अंदर क्या होता है, व्हेन द एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज डिक्रीज, इंटेंसिटी आपको डिक्रीज हो रही है, इट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ ए ग्रुप विच डिस्टॉर्ट द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल कॉजेज सच टाइप ऑफ इफेक्ट। आप देख सकते हैं नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में एप्सिलॉन की वैल्यू 1900। अब नेफ्थलीन से हमने क्या बनाया, 2 मिथाइल नेफ्थलीन, इससे क्या होगा इसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो गई, डिस्टॉर्टेड हो गई। ज्योमेट्रिक डिस्टर्बेंस की वजह से ट्रांजिशंस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। नाउ द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज 1000, दिस इज 10250, सो देयर इज अ चेंज ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी एंड सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट एंड दिस कैन बी इंडिकेटेड विद द फॉलोइंग डायग्राम। इजी फॉर्म में बताया गया है, हाइपोक्रोमिक का मतलब एरो ऊपर की तरफ इंडिकेट हो रहा है, बढ़ना हो गया, ब्लू ब्लू शिफ्ट आपके लेफ्ट की तरफ जा रहा है इसका मतलब वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है, रेड शिफ्ट कम राइट हैंड की तरफ जा रहा है इसका मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, हाइपोक्रोमिक में एरो डाउन जा रहा है इसका मतलब आपके जो है इंटेंसिटी जो है वो कम हो रही है। सो नेक्स्ट इज द सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन ट्रांजिशन। अभी हमने बात की थी सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट किस तरह से ट्रांजिशन को इफेक्ट करता है। आप ये देखेंगे कि ये जो एनर्जी लेवल बताया है इधर पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी, एन पाई स्टार ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं। एन पाई स्टार ट्रांजिशंस कौन देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स देता है। तो अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है, पोलर सॉल्वेंट क्योंकि उसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और उसकी जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है उसको कम कर देगा। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम हो गई, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कम हुई है लेकिन ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी उतनी कम नहीं हुई। देयरफॉर जो सीडी का जो गैप है इट इज ग्रेटर देन एबी। एनर्जी क्या है, हाँ तो आप देख सकते हैं जो एनर्जी गैप है वो सीडी का जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरेटिव टू एबी। CD क्या शो कर रहा है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट की वजह से यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लैम्डा की वैल्यू कम होना कौन सा शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल आपका पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई पाई स्टार ट्रांजिशन में आप देख सकते हैं ये है आपका विदाउट पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये ट्रांजिशन शो कर रहा है, एनर्जी गैप बता रहा है। जब आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है तो क्या होगा, इसके अंदर जो एक्साइटेड स्टेट होती है इट इज मोर स्टेबलाइज, ग्राउंड स्टेट के कंपेरेटिवली एक्साइटेड स्टेट मोर स्टेबलाइज है इसलिए ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। मीन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए जो वेवलेंथ चाहिए होती है उससे ज़्यादा वेवलेंथ हमें किसके अंदर चाहिए होती है अगर हमने सॉल्वेंट पोलर लिया। सो इंक्रीजिंग पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट shift n pi star and n sigma star to shorter wavelength and pi pi star to longer wavelength. So this is called effect of solvent on transition. Next, a formation of absorption band. किस तरह से absorption band form हो रहे हैं? The spectrum consists of a sharp peak and each peak will correspond to the promotion of electron from one electronic level to another. जो पीक शो कर रही है वो क्या बता रही है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से अपने ग्राउंड स्टेट से मीन्स होमो से किस तरह से ल्यूमो में जा रहा है। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड ल्यूमो इज द लोएस्ट वैकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ड्यूरिंग द प्रमोशन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ गिवन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल लेवल विद इन वन इलेक्ट्रॉनिक मोड टू
अदर विद इन द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लेवल बताए थे तो आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उसके अंदर कौन कौन से लेवल्स प्रेजेंट है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ वाइब्रेशन एंड रोटेशन ट्रांजिशन भी हो सकते हैं। दस देयर विल बी ए लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन, बहुत सारे पॉसिबल ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ हम रोटेशनल और जिस वाइब्रेशन ट्रांजिशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। सो यू विल नॉट गेट ओनली वन वेवलेंथ बट यू ऑप्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ इन अ क्लंप फॉर्म, मीन्स यू गेट अ बैंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। दिस इज द एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन एट 240, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज 30,000, वेयर इज इन बंसी ब्यूटाडीन पाई पाई स्टार ट्रांजिशन अकर एट 217 एंड द वैल्यू ऑफ ई मैक्स इज 21,000। दूसरा बैंड आपका आर बैंड, आर बैंड कैसे ओरिजिनेट होता है, आर बैंड ट्रांजिशन ओरिजिनेट ड्यू टू एन पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ अ सिंगल क्रोमोफोरिक ग्रुप एंड हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हेटेरोटॉम। दीज आर लेस इंटेंस विद ई मैक्स वैल्यू बिलो 100। जो ट्रांजिशंस होते हैं ये आप लैम्डा मैक्स की वैल्यू तो चेंज हो रही है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आर बैंड के अंदर एन पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से है, सिंगल क्रोमोफोरिक ग्रुप है, बट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज वेरी लो। तो सच टाइप ऑफ बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन बॉन्ड, फॉरबिडन बैंड है, मीन्स ये जो बैंड है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन ये ट्रांजिशन नहीं देगा। तो यू कैन सी दिस एसीटोन एन पाई स्टार ट्रांजिशन अकर एट 270 बट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज वेरी लो, इट इज ओनली 50 एंड इन द केस ऑफ एसीटाल्डिहाइड दिस ट्रांजिशन इज एट 293 नैनोमीटर बट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज ओनली 12। एंड थर्ड टाइप ऑफ बैंड इज बी बैंड, बी बैंड सच टाइप ऑफ बैंड अराइजेज ड्यू टू पाई पाई स्टार ट्रांजिशन इन एरोमेटिक और हेटेरोमेटिक मॉलिक्यूल। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और हेटरो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर ये बी बैंड प्रेजेंट होते हैं। बेंजीन शोज एब्जॉर्प्शन पीक बिटवीन दिस 230 टू 270 नैनोमीटर। ये मेनली किसका करेक्टरिस्टिक्स है, एरोमेटिक, एरोमेटिक और हेटरो एरोमेटिक मॉलिक्यूल, मींस एरोमेटिक कंटेनिंग हेटरो एटम, सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेटरो एरोमेटिक। सो दिस बैंड इज करेक्टरिस्टिक ऑफ सच एरोमेटिक एंड हेटरो एरोमेटिक मॉलिक्यूल। Example is benzene. Benzene shows absorption peak between 230 to 270 nanometer. So when a chromophoric group is attached to the benzene ring, the B band are observed at longer wavelength than the more intense K band. You can see benzene the pi pi state transition occur at 255 nanometer and the value of epsilon is 215. बट फिनॉल, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो जाता है, एक तक ऑक्सोक्रोम अटैच हो गया उसके ऊपर, सो नाउ द वैल्यू ऑफ ई मैक्स इज इंक्रीजेज एंड इट इज 145। नेक्स्ट इज द ई बैंड ओरिजिनेट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन द बेंजोनॉइड सिस्टम ऑफ थ्री इथाइलेनिक बॉन्ड विच आर इन क्लोज्ड साइक्लिक कॉन्जुगेशन। मीन्स तीन अगर बॉन्ड आपके कॉन्जुगेशन में है तो ये जो बॉन्ड ओरिजिनेट होगा इसको हम बोलेंगे ई बैंड। सो दीज ई बैंड आर फर्दर करेक्टराइज्ड एज E1 एंड E2 बैंड। E1 बैंड विच अपीयर एट शॉर्टर वेवलेंथ इज यूजुअली मोर इंटेंस देन द E2 बैंड फॉर द सेम कंपाउंड विच अपीयर एट लॉन्गर वेवलेंथ। हम पहले बात कर चुके हैं कि लैम्डा मैक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी इंटेंसिटी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। सो यू कैन सी in the case of benzene the value of lambda max is 184 for the E1 band, the value of epsilon is 50,000, but for E2 band the value of lambda max is 204 and the value of this epsilon is 79,000. And another example is naphthalene, for E1 band the value of lambda max is 221 and the value of epsilon aap dekhiye 133,000, kitna intense band hai ye. E2 band 86, the value is 9,300. So you can take help of books for this UV visible spectroscopy, elementary organic spectroscopy principle and chemical application by Bhaiya Sharma, well known book hai, easily kisi bhi book store par available ho jayegi।
ये आपका छोटा, अभी आपका हाफ पार्ट कवर्ड हुआ है इंट्रोडक्शन वाला। सेकंड ये आपको सेकंड बुक की ले, एंड थर्ड आपको जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाई एच कौर, फोर्थ इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस बाई बी के शर्मा, एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, भी अच्छी बुक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी बाई बैनवल। इसके अंदर तीन जो आपके ऑथर हैं वाई आर शर्मा, एच कौर एंड बी के शर्मा, इंडियन ऑथर हैं, तो लैंग्वेज की थोड़ी सी ईजी रहेगी, तो आप ये वाली बुक कंसिडर कर सकते हैं। एंड ई बुक की फॉर्म में आपको बैनवल एंड अदर जो फॉरन एडिटर्स हैं उनकी बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल, किस तरह से हम लैम्डा मैक्सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 1,3-butadiene के लिए, अगर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, एंड जो कैरोटीन जिसके अंदर बहुत मल्टीपल पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, उस तरह के कंपाउंड्स के लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल्स दिए हैं, जिसमें से वुडवर्ड फिशर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे यूजफुल रूल दिए हैं कैसे हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पता लगेगा कि अगर आपने कॉन्जुगेशन बढ़ाया है तो किस तरह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज होगी। थैंक यू, आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो।